तरह से व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या हुई थी वो मामला अब दिल्ली ट्रांसफर हो गया। इस मामले में ट्रायल चल रहा है, आज रावसवनी कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस मामले में वकील कार्तिकेय जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या कुछ रहा आज सुनवाई के दौरान? आज कचहरी के अंदर चार्जशीट जो CBI ने दाखिल की है, CBI को कुछ डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने, जो और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो हुई है उसकी और फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट फाइल करने को कोर्ट ने कहा है। बेसिकली SIT जो लखनऊ कानपुर पुलिस की थी, उसने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो डॉक्यूमेंट कोर्ट ने और दाखिल करने को कहे हैं। इसके अलावा CCTV फुटेज हैं जो कि अभी कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाई गई हैं, वो भी अगली तारीख तक। इस मामले में लखनऊ में चार्जशीट दाखिल की गई थी CBI की तरफ से, अब फिर दोबारा एडिशनल चार्जशीट कहीं ना कहीं जो है या सही दिशा में अब जो है वो सुनवाई चल रही है। देखिए, CBI ने जो पहले चार्जशीट फाइल करी थी उसमें CCTV फुटेज नहीं फाइल हुई थी। वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि तब तक FSL की रिपोर्ट नहीं आई थी और FSL की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अभी जो केस चल रहा है सही दिशा में सही तरीके से चल रहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई क्या है? अगली सुनवाई 22 अप्रैल को है। इस दिन CBI अपनी फर्दर रिपोर्ट दाखिल करेगी और इसके अलावा चार्ज के ऊपर बहस होनी है। बात करने की शुक्रिया। तो इस मामले में अब दिल्ली की रावसवनी कोर्ट में 22 तारीख को सुनवाई होनी है और उस दिन जो एडिशनल चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसमें तफसील से सुनवाई होगी। इस बार जो एडिशनल चार्जशीट दाखिल करनी है उसमें CCTV फोटो समेत अन्य सबूत जो हैं वो भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।